हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका किचनोपीडिया में। आज हम बनाते हैं खमन ढोकला। वैसे तो ढोकला काफी चीजों से बनता है, पर आज हम बनाएंगे बेसन से। ढोकला बनाने के लिए हमको चाहिए 2 कप बेसन, आधा छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 से 1/4 कप पानी, 1 चम्मच तेल और 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। बेसन और सारी सूखी सामग्री को एक बड़ी छन्नी से हम छान लेते हैं। ये देखिए, इसको छानना बहुत जरूरी है ताकि जो बेसन या चीनी के मोटे दाने हैं वो छन के टूट जाए या अलग हो जाए। अब इसमें धीरे धीरे करके 1/4 कप पानी मिला लीजिए और इसको विस्कर की हेल्प से मिला लीजिए। इसको अच्छे से विस्क करते रहें जब तक बेसन अच्छी तरह से मिल ना जाए। इसमें आपको कोई लम्स नहीं दिखने चाहिए। अब इसमें 1 चम्मच तेल डाल के फिर से अच्छी तरह से विस्क कर लीजिए और तब तक करते रहिए जब तक ये थोड़ा सा एयरी ना हो जाए। अब इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डालना है और फिर से विस्क करना है। ध्यान से सुनिए, इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आपको इसमें डाउट या आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे खरीद सकते हैं। ये देखिए, ये अब और भी ज्यादा एयरी और फ्लफी हो गया है। इसको अब एक कंटेनर में डाल लेते हैं। कंटेनर को ग्रीस कर लेते हैं। एक गहरे पैन को गैस पे रख लीजिए और उसमें थोड़ा पानी डाल लीजिए। अब पैन में इस तरह की एक जाली रख लीजिए जिसके ऊपर हम कंटेनर रख लें। क्योंकि हमने इसको स्टीम करना है तो ऐसा कंटेनर लीजिए जो आपके स्टीमर या पैन या कुकर में बंद होके भी आ जाए। हम इसको 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम होने के लिए रख देते हैं। और चलिए तब तक हम अपने खमन के लिए तड़का बना लेते हैं। तड़के के लिए हम लेंगे 2 चम्मच तेल, चुटकी भर हींग, राई या सरसों के दाने, थोड़े कड़ी पत्ते, 3 से 4 हरी मिर्च बीच में से लंबा काट लें, 2 कप पानी, 1/4 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच चीनी, 1 नींबू का रस और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया। तेल गरम करके उसमें हींग डाल लीजिए और राई के दाने डाल लीजिए। अब कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल लीजिए। और गैस बंद कर लें। अब इसमें 2 कप पानी डाल लीजिए। फिर ऊपर से चीनी और नमक डाल लीजिए। इसके ऊपर हम 1 नींबू का रस डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे और थोड़ा चला लें जिससे चीनी पानी में मिल जाए। अब इसको साइड पे रख देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, आपका ढोकला भी रेडी है, कंटेनर की साइड से अलग हो गया है। अब गैस बंद करके लेड उठा लेते हैं। वाओ, ये बहुत ही सही दिख रहा है। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये अपनी गर्मी से खुद सेट हो जाएगा। चलिए हम इसमें 1 चाकू डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाकू एकदम साफ है, ये अंदर से एकदम पक गया है। आइए इसको पैन से निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनाए ये। एक चाकू से कंटेनर के किनारे से अलग कर लेते हैं। वैसे तो ये अपने आप ही अलग हो गया है।
अब इसको एक ट्रे में पलट लेते हैं। दो तीन बार हल्के हाथ से टैप कीजिए। ये देखिए, ये कितनी आसानी से अलग हो गया है। वाओ, आप देख सकते हैं इसकी जाली कितनी अच्छी तरह से बनी है। अब इसको काट लेते हैं। मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से भी कितना स्पॉन्जी है। आप अपने हाथ से दबा के देखिए, ये अपनी शेप कैसे वापस ले रहा है। वेरी गुड। अब इसके ऊपर सारा तड़का डाल लेते हैं। उप्स, थोड़ा धनिया ठीक से रख देती हूँ। आप इसको अभी भी खा सकते हैं या थोड़ी देर फ्रिज में रख के भी एंजॉय कर सकते हैं। खैर, जैसे भी खाएं, एंजॉय जरूर करेंगे और मेरी रेसिपी को याद रखेंगे। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। तो जल्दी से इस रेसिपी को एक लाइक दे दीजिए और देखते रहिए किचन ओपीडिया फॉर न्यू रेसिपीज। थैंक यू।